है खाने का, तो हम आ गए एंड अंकल के पास, अंकल बोला आप इनकी तस्वीर भी लगे हुए देख रहे हैं थोड़ा जी पे, आज हम इन अंकल से ही आपको मिलवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, और बताइए अपने इस कार्ड के बारे में कि आपने कितने से इसको स्टार्ट किया और आप कहां तक कामयाबी पहुंचे? 40 साल से हम लोग ये वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं 40 साल से काम कर रहे हैं। जब मेरे बच्चे खड़े होते हैं ये कम खड़ा होता है, यहाँ कम होते हैं। सूप का भी काम है अंकल, सूप का भी काम है, ओले गड्ढे का भी काम है हम लोगों को। तो ये वही अंकल है जो आप, हमारा जो है रजिस्टर्ड नाम है, एनटीएन नंबर है, कौन ली अंकल है? अंकल आप लोग जो ये धोरा जी की रोड पे जो तस्वीर देखते हैं ना अंकल, बोला मिलियन से, आज हमने आपको अंकल से ही मिलवा दिया है ना भाई अंकल? तो चले अब आपको कार्ड पे चलते हैं, देखते हैं बोला चार चार बन गया जी भाई, चार दे दी। कौन सा ग्लास चाहिए बताया मुझे, रेट क्या है भाई आपके? मेन्यू लिस्ट वो मुझे 200 वाला खाएंगे 500 वाला खाएंगे 250 वाला खाएंगे। अच्छा आप खाएंगे पॉपसिकल में खाएंगे या प्याले में खाएंगे? प्याले में खाएंगे। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे आप गोला गंडा बनाने में, मगन है ये देखो, मैं तो चाह रहा इसको खा लूं पर किसी और का है। बन जाए। आप मुझे बताइए कितने गए? ये 200 का। तो आपकी लास्ट क्या रेंज है आपके गोला गंडे का? स्टार्ट होता है 200 से 1250 तक। सुनो 1200 वाला कितने लोग खा लेते हैं? 5% खा लेते हैं। तो इसमें उसमें 1200 में तुम क्या डालते हो भाई? पाइन एप्पल जेली है, स्माइल है, फ्लेवर है, चॉकलेट है, बनती है, ड्राई फ्रूट है, ये सब। कितने बड़े उसमें बनता है? हाल में बनाते हैं अंकल, जबरदस्त। ज्यादा कब किस मौसम में लोग खाते हैं, सर्दियों में कि गर्मियों में? स्टिक वाला गोला गंडा चलता है और गर्मी में प्याले वाला। गर्मी में ज्यादा खाते हैं, सर्दियों में थोड़ा खाते हैं? नहीं, 12 महीने का काम है यहाँ तो वैसे। हाँ लेकिन एक होता है ना कि कौन से सीजन में लोग ज्यादा इंजॉय करते हैं गोला गंडा। मेरा जो ख्याल था वो ये था कि लोग सर्दियों में ज्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि स्टिक में खाते हैं लोग सर्दियों में और गर्मियों में खाते हैं प्याले में। सही। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है भाई, ये कितने वाला है? ये 200 वाला। अच्छा अब एक बात ये बताओ कि कितने साल से तुम ये गोला गंडा बना रहे हो? 11 साल। बचपन से बना है। जवान हुए। कौन है ये आपके? वालिद साहब। अच्छा और ये जो आपके सारे फ्लेवर्स हैं ये आपके कहाँ से आते हैं? ये घर में बनता है। सच बताओ? होम मेड। ये सब होम मेड है? ये कोई कलर नहीं है सारे फ्लेवर? मतलब जो होता है बाहर से लेने का वो है, बाकी तो घर में। तो मतलब ये सबसे पुराना तुम लोगों का स्टॉल यही है? हमारी 2-3 ब्रांड है आगे भी, वो तो शॉप है पूरी। अच्छा मुझे ये तुम्हारा जो कार्ड है ना रिक्शे वाला, ये अट्रैक्ट किया इसलिए हम यहाँ पे रुके। मैं कह रही थी कि मुझको तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा कि मैं इसे किस तरह बस जल्दी से ट्राई कर लूँ, क्योंकि मुझे प्याजी बहुत लग रही है। अच्छा सारे गोला गंडे होते हैं इस तरह के, लेकिन उनपे ये टॉपिंग वगैरह डलती है, जैसे ये बंटी है, ये नोविटा है, ये ओरियो है, और इसी तरह की कोपरा शोपरा है। डिफरेंट नेम है, ठीक है, उनका बस लुक चेंज है और उस पर टॉपिंग चेंज है, उससे गोला गंडा का नाम ही चेंज हो जाता है। कोई बाल्टी है, कोई मटका है, कोई आइसक्रीम है, तो इंडियन है। बहुत मजा आ रहा है ना? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो सारे इतने डिफिकल्ट नाम है, तो ये मुझे बताओ ना, ये इनमें क्या कोई अलग अलग सारे हैं या सब सिर्फ प्याला चेंज हो रहा है, चीज वही है? नहीं हो रहा, सब अलग अलग, मतलब फ्लेवर बस सारे वही है, किसी में वेरिएंट अलग है, किसी में वेफर है, मतलब सब अलग अलग। अभी जो बाल्टी है और ये मटका, ये तो सेम ही होगा बस, ये सेम ही खाली लुक का फर्क है। हाँ वही मैं कहना चाह रही थी भाई साहब का, चलो मेरा लगा रहा ये बड़ी बात। इसको खाएंगे कैसे? ये तो बहुत मजे का है। आप तो गोला गंडा खाने में भी मुंह बनाती। मम्मी ये देखे, यार तुम सब बर्बाद कर दो। मॉन्स्टर गोला गंडा।
अम्मी सुनो मेरी, वजह करो, मैं आपको एक बात बताऊं, अम्मी की जबानी, अम्मी बचपन में क्या करती थी जरा बताइएगा, अम्मी पूरा बताइएगा शुरू बचपन में ये करते थे कि आइसक्रीम वाला आता था और हम लोग आइसक्रीम खाते थे और उसको चूस के फिर उसको देते थे हमें दूसरा फ्लेवर दो, फिर चूस के फिर देते थे दूसरा फ्लेवर दो, यानी चार आने में पता नहीं कितनी आइसक्रीम में खाते थे। हाँ गिर गया आया है वक्त, फिर करो फिर करो फिर करो, क्या सुरसुरी आवाज निकल रही है वकास के गोल, वकास इसको किसी के खाने के काबिल न छोड़ा तुमने तो सारी चॉकलेट रगड़ दी हद हो गई। अम्मी कैसा है, अम्मी के कपड़ों पे गिरी है, अम्मी बस अपने कपड़े ही देखती है, देख रही है कुछ ना, माउथ दिखाओ। मेरा ये व्हाइट कमीज सलवार आज आया था ड्राई क्लीन से, कलर लग गया था और ये पिंक हो चुका है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हम पॉप्सिकल कुम खा रहे हैं ये एक ही है, और ये क्या रस निकल रहा है, कभी बकास खाता है कभी मैं खाती हूँ, कभी बकास खाता है लेकिन रस खत्म नहीं हो रहा, इतना रस डाला है भाई ने हमारा, बहुत अच्छा बना के दिया स्पेशल वाला है, बहुत मजे का भाई। अंकल गोला, अंकल गोला की तीन दुकान है यहाँ पे, इसको टिश्यू दो, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कितने का है, सबसे कम पैसे, सबसे कम 200 रुपए, और कितने का है भाई, 200 से स्टार्ट, ये जो 1200 वाला क्या होगा, 1200 वाले में 5 लोग खा सकते हो, उसमें बादाम बादाम जो भी वेफर सब चीज होती है। पॉप्सिकल कहाँ पर पहुँची, आखिरी मराइल में पहुँची, हाँ। आखिरी सांसें लेता हुआ, हाँ। कितना बड़ा था और बड़ा सा जो है वो अब गायब हो चुका है। देखो एक डंडी मैंने फतह कर ली, इतना पसंद आया है ना आपको वकास, क्रीम गोला गंडा था, अंकल गोला दोरा जी का मशहूर, छा गए अंकल अंकल और उनका बेटा छा गया, तीन माने दिल छा, एक दो गोला और ले लूं, सच बताओ खा लोगे, और आपको वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और कमेंट में तो आपको कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो लिखना ही है आपने, और आपको अंकल वाले ब्रांड पसंद आएंगे इंशाल्लाह। ओके बहुत अच्छा, बड़ी बाजी को भी अल्लाह खुश रखे। याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।